गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं मीरा रानी, टीजी टी म्यूजिक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगुआ, डिस्ट्रिक्ट हिसार से आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपके सातवीं कक्षा के सिलेबस के रागों के परिचय के बारे में जानेंगे। आपकी क्लास में जो राग हैं, राग यमन, बिल्लावल और हमीर, इनके राग परिचय के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं फिर आपसे राग के बारे में एक बात करना चाहूँगी कि आपने पिछली वीडियोस में ये सीखा कि राग क्या होता है। राग भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार है, साथ ही साथ सुगम संगीत में भी रागों पर आधारित कई गीत और सुंदर रचनाएं हैं। हमारे पूरे जीवन पर शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत दोनों का ही बहुत प्रभाव है। तो आज हम शास्त्रीय संगीत का आधार माने जाने वाले रागों में से कुछ रागों के बारे में जानेंगे। यमन, बिल्लावल और हमीर, इन रागों का परिचय जानेंगे हम। उनका चलन किस तरह से है, उस राग में स्वर का विस्तार किस प्रकार से किया जाता है, कौन से स्वर वर्जित हैं और कौन से स्वर वादी हैं, संवादी हैं, या इन रागों का गायन वादन समय क्या है, इनकी जाति क्या है, ये सब हम आगे अभी जानते हैं। तो हम शुरू करते हैं राग यमन से। हम शुरुआत करते हैं राग यमन के परिचय से। प्रथम पहर निशि गाइये, गानी को कर संवाद, जाति संपूर्ण तीव्र मध्यम, यमन आश्रय राग। प्रथम पहर निशि गाइये, गानी को कर संवाद, जाति संपूर्ण तीव्र मध्यम, यमन आश्रय राग। इस श्लोक में कहा गया है कि प्रथम पहर निशि गाइए, निशि अर्थात रात्रि, निशि रात के प्रथम प्रहर में गाया बजाया जाने वाला ऐसा राग जिसमें गा और नी स्वर को वादी और संवादी माना गया हो और जिसकी जाति संपूर्ण हो और उसमें मध्यम स्वर तीव्र लगता हो, जो कि एक आश्रय राग है, वो यमन कहलाता है। राग यमन की उत्पत्ति कल्याण थाट से मानी गई है। इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, जबकि बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। यमन को रात्रि के प्रथम प्रहर या संध्या समय में गाया बजाया जाता है। इसके आरोह और अवरोह दोनों में ही सातों स्वर लगते हैं, इसलिए यमन की जाति संपूर्ण संपूर्ण मानी गई है। वादी स्वर गा और संवादी स्वर नी माना गया है। यमन के आरोह में जो स्वर लगते हैं, नी मंदर सप्तक का, रे गा, तीव्र मा पा, धा नी सा, इसके बाद अवरोह है तार सप्तक का, सा नी धा पा, तीव्र मा गा रे सा। अब हम राग यमन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, यमन राग आधुनिक काल का एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध राग है। यमन को कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। इस राग की उत्पत्ति कल्याण थाट से ही होती है और यह अपने थाट का आश्रय राग भी है, अर्थात यह अपने थाट के पूरे नियमों को के आधार पर ही बनाया गया है और उसी के हिसाब से गाया बजाया जाता है।
इस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है, जबकि बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इस राग के आरोह में भी 7 स्वर लगते हैं और अवरोह में भी सभी 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं। राग की पकड़ के स्वर हैं मंद्र सप्तक का नी रे गा रे पा रे, फिर से मंद्र सप्तक का नी रे सा। यमन को मंद्र सप्तक के नी से गाने बजाने का चलन है, अर्थात जब गायन वादन किया जाता है राग यमन में तो शुरुआत मंद्र सप्तक के नी से की जाती है। इस राग में नी रे और पा रे संगतियों का प्रयोग बार बार किया जाता है। इस राग की प्रकृति गंभीर मानी जाती है, अर्थात यमन राग को गंभीर प्रकृति का माना जाता है। यमन को तीनों ही सप्तकों में गाया और बजाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यह मंद्र सप्तक में बजाया जाने वाला है या मध्य सप्तक में गाया बजाया जाने वाला है, तीनों ही सप्तकों में राग यमन का विस्तार किया जाता है। यमन राग शास्त्रीय व सुगम संगीत दोनों में ही काफ़ी प्रचलित है। बहुत सारी शास्त्रीय रचनाएं, बंदिशें, गतें इस राग में गाई बजाई जाती हैं और कई मशहूर फिल्मी गीत भी इस राग में कंपोज किए गए हैं। स्टूडेंट्स, आपने राग यमन का परिचय अच्छे से कर लिया है। अब हम उसे आरोह अवरोह और उसकी पकड़ को किस तरह से बजाते हैं और गाते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने एक कीबोर्ड है और इस पर हम इस ब्लैक की से को सा मानकर शुरुआत करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी और ये तार सप्तक का सा, ये सभी शुद्ध स्वर हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, इसे हमने सा माना है इस ब्लैक की को, तो सा रे गा मा पा धा नी और तार सप्तक का सा। पर हम राग यमन बजा रहे हैं तो यमन राग में आपने परिचय में देखा है कि मा शुद्ध ना लगकर ये तीव्र मा लगेगा, तो इसके स्वर बनेंगे सा रे गा तीव्र मा पा धा नी और तार सप्तक का सा। स्टूडेंट्स, एक और चीज राग यमन की विशेषताओं में आपने पढ़ी है कि जब भी राग यमन को गाया या बजाया जाता है तो उसकी शुरुआत स्वरों की सबसे पहले मंद्र सप्तक के नी से करते हैं, यानी कि निषाद से। तो ये है मंद्र सप्तक का निषाद, सा स्वर से एक की पीछे। तो हम शुरू करते हैं आरोह अवरोह। अभी मैंने आपको एक ही उंगली से बजाना बताया है, इसे बजाने का तरीका है देखिए। ये था आरोह और अवरोह, इसे हम गाएंगे भी अभी साथ में। फिर दोहराते हैं हम, नी रे गा मा पा धा नी सा
इसके बाद हम पकड़ बजाते हैं, तो यमन की पकड़ है नी रे गा रे पा रे नी रे सा। नी ये मंदर सप्तक का है। अब आरोह अवरोह पकड़ एक साथ करते हैं। नी रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। नी रे गा रे पा रे नी रे सा। नी रे गा रे पा रे नी रे सा। नी रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये थी राग यमन की आरोह अवरोह और पकड़। अब हम शुरू करते हैं राग बिलावल का परिचय। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से सभी 10 थाटों में थाट बिलावल को शुद्ध माना जाता है, प्योर माना जाता है, उसी प्रकार बिलावल थाट के अंदर आने वाला राग बिलावल भी शुद्ध राग माना जाता है। हालांकि आजकल अल्हैया बिलावल राग बहुत अधिक प्रचलन में है और कई लोग बिलावल अल्हैया बिलावल को ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों राग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और बिलावल राग पूरी तरह से अपने थाट के नियमों पर खरा उतरता है। इसमें सभी स्वर शुद्ध भी लगते हैं, इसीलिए राग बिलावल को शुद्ध बिलावल कहा जाता है और इसे अपने थाट का आश्रय राग भी कहा जाता है। तो हम शुरू करते हैं बिलावल राग का परिचय। बिलावल राग बिलावल थाट से ही जनित राग है। इसका वादी स्वर धा है और संवादी स्वर गा माना गया है। इस राग में कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, अर्थात इसके आरोह में भी सभी 7ों स्वर लगते हैं और अवरोह में भी सभी 7ों स्वर लगते हैं, जिसकी वजह से इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण हो जाती है। बिलावल राग में जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी विकृत स्वर नहीं लगता, सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। इस तरह से बिलावल का आरोह अवरोह दोनों बनते हैं, जिसमें सभी शुद्ध स्वर आएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा तार सप्तक का, और अवरोह के स्वर बनते हैं तार सप्तक का सा नी धा पा मा गा रे सा। राग बिलावल की पकड़ के स्वर हैं गा पा मा गा मा रे सा। इस राग का गायन वादन समय दिन का प्रथम प्रहर अर्थात प्रातःकाल माना गया है। राग बिलावल की विशेषताएं हैं कुछ इस प्रकार हैं। बिलावल राग की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है और यह अपने थाट का आश्रय राग भी है।
इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है और इसमें सभी स्वर आरोह तथा अवरोह में शुद्ध लगते हैं। बिलावल राग को शुद्ध राग माना जाता है, इसलिए सबसे पहले बच्चों को इसी राग से सिखाया जाता है और जब गायन वादन भी किया जाता है रागों का तो बिलावल राग से ही शुरुआत की जाती है, क्योंकि इसका गायन वादन समय भी प्रातःकाल माना गया है। बिलावल राग का संप्रकृतिक राग या मिलता जुलता राग अलैया बिलावल है। कई लोग तो अलैया बिलावल को ही शुद्ध बिलावल मान लेते हैं, जबकि दोनों राग बिल्कुल अलग हैं। बिलावल राग के न्यास के स्वर हैं सा, गा, पा और धा। बिलावल एक उत्तरांग प्रधान राग है और इसमें लगने वाली विशेष स्वर संगतियां हैं मा, गा, मा, रे, पा, मा, गा और नी, धा, नी, तार सप्तक का सा। स्टूडेंट्स, अभी तक बिलावल राग के परिचय से आप इतना समझ गए होंगे कि बिलावल में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं आरोह अवरोह दोनों में ही, और सभी के सभी सातों स्वर इसके आरोह अवरोह दोनों में ही प्रयोग होते हैं, जिससे कि इसकी जाति भी संपूर्ण संपूर्ण बन जाती है। अब हम कीबोर्ड पर इसके स्वरों का आरोह अवरोह पकड़ बजाएंगे और साथ में गाएंगे भी। ध्यान से देखिए, मैं कीबोर्ड की सभी ब्लैक कीज में से इस की को मध्य सप्तक का सा मान रही हूँ। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और ये तार सप्तक का सा। तो शुद्ध स्वर लगने के कारण अब इसका आरोह अवरोह इस प्रकार से होगा। सा, रे, गा, मा, पा, फिर से एक बार गाते हैं इसे। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। अब इस राग की जो पकड़ है वो इस तरह से है। गा, पा, गा, पा, मा, गा, मा, रे, सा। फिर से बताती हूँ मैं। गा, पा, मा, गा, मा, रे, सा। देखिए इसे हम बजाते हैं। फिर से देखिए एक बार। तो ये हुआ राग बिलावल का आरोह अवरोह और पकड़। अब हम शुरू करते हैं राग हमीर का परिचय। हमीर राग कल्याण थाट जनित राग है। इसका वादी स्वर धा और संवादी स्वर गा माना गया है। इसकी जाति संपूर्ण सुपूर्ण मानी गई है, हालांकि जाति के बारे में कई अपवाद हैं इस राग के, जैसे कि आरोह में अगर देखा जाए तो प स्वर लगता ही नहीं है, फिर भी इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण मानी गई है। हमीर राग में
दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, शुद्ध मध्यम भी और तीव्र मध्यम भी। इसके अलावा सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। हमीर राग के आरोह के स्वर हैं सा रे सा, ग म ध, नी ध सा, तार सप्तक। और अवरोह के स्वर हैं तार सप्तक का स नी ध प, तीव्र मा पा, ध पा, गा मा रे सा। हमीर राग की पकड़ के स्वर हैं सा रे सा, गा मा धा। और इसमें न्यास के स्वर हैं, या जिन स्वरों पर न्यास किया जाता है वो स्वर हैं सा पा धा। हमीर का संप्रकृतिक राग कामोद और केदार है, और इसका गायन वादन समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना गया है। अब हम शुरू करते हैं हमीर राग की विशेषताओं के बारे में, अपवाद और मतभेदों के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, राग हमीर के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बहुत सारे अपवाद भी हैं और कई मतभेद भी हैं। विद्वानों के अलग अलग मत हैं उसकी जाति के बारे में, थाट के बारे में और स्वरों के लगाव के बारे में। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो राग के आरोह का ही जो चलन है वो थोड़ा अलग है, जैसे कि सीधे तौर से स्वरों को नहीं लिया गया, थोड़ा सा वक्री भी स्वरों का प्रयोग किया गया है। तो हम जानते हैं कि राग हमीर की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में क्या क्या मतभेद हैं विद्वानों के। स्टूडेंट्स, आपने अभी पढ़ा है कि हमीर राग कल्याण थाट जनित राग है, परंतु कुछ विद्वान इसे बिलावल थाट के अंतर्गत मानते हैं। उनके अनुसार कि इसके जो जितनी भी विशेषताएं हैं और स्वरों का चलन है वो बिलावल थाट के हिसाब से है, तो इसे बिलावल थाट के अंतर्गत माना जाना चाहिए। दूसरी जो अपवाद कहेंगे वो ये है हमीर के बारे में कि हमीर राग को संपूर्ण जाति का माना गया है, जिसका मतलब है कि उसके आरोह तथा अवरोह दोनों में ही सात सात स्वरों का लगना आवश्यक है। पर जब हम हमीर के आरोह को देखते हैं तो उसमें स्वरों का जो चलन है उसमें पास स्वर लगभग न के बराबर लगता है, और अगर लगता भी है तो वक्री तौर पर लगता है। हमने आरोह किया है जिसमें स्वर हैं सा रे सा, गा मा धा, नी धा सा, तो स्वर भी वक्री तौर पर लग रहे हैं और पास स्वर का बहुत कम प्रयोग हो रहा है। इसलिए इसे अपवाद के तौर पर ही कहा जाएगा कि प स्वर ना लगने के बावजूद भी इसे संपूर्ण जाति का माना गया है। विद्वान इसकी जाति को अपवाद मानते हैं। इसके अलावा एक और विशेषता है हमीर राग की कि इसमें दोनों ही मध्यम स्वरों का प्रयोग होता है, शुद्ध मध्यम भी लगता है और तीव्र मध्यम का प्रयोग भी इस राग में होता है। तो सौंदर्य बढ़ाने के लिए कभी कभी इस राग के अवरोह में विवादी स्वर के रूप में कोमल नी का प्रयोग भी कर लिया जाता है। हालांकि जब इस स्वर में ध स्वर लगाया जाता है, जैसे कि पकड़ में है सा रे सा ग म ध, तो उस ध स्वर के साथ तार सप्तक के सा का कण लगाया जाता है जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तो कुल मिलाकर राग हमीर अलग अलग विशेषताओं से भरा हुआ है और ऐसा हर एक राग में नहीं होता। स्वरों को वक्री तौर पर लगाया गया है, ग स्वर भी कई बार इसमें वक्री तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो
अब हम स्वरों का हमीर के राग के स्वरों के बारे में और उसके राग के परिचय के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इसका आरोह अवरोह और पकड़ बजाकर करेंगे। स्टूडेंट्स, हमीर राग के आरोह अवरोह पकड़ के लिए मैं कीबोर्ड की इन कीज में से इस ब्लैक की को मध्य सप्तक का सा ले रही हूं। आप किसी भी की के स्वर को अपने स्केल के हिसाब से सा मानकर बजा सकते हैं और गा सकते हैं। मैंने इस की को मध्य सप्तक का सा माना है, तो ध्यान से आप देखिएगा, हमीर राग का चलन थोड़ा वक्री है, स्वरों का चलन थोड़ा अलग है जो आपने पिछले राग किए हैं उनमें से, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सा रे सा, गा मा धा, नी धा, तार सप्तक का सा। यहाँ आरोह में शुद्ध मा का प्रयोग किया गया है, जबकि अवरोह में शुद्ध और तीव्र दोनों ही मां का मध्यम का प्रयोग होगा। फिर से देखते हैं हम आरोह के स्वर। सा रे सा, गा मा धा, नी धा और तार सप्तक का सा। फिर अवरोह के स्वर हैं सा नी धा पा, तीव्र मा पा धा पा, गा और शुद्ध मा रे सा। फिर देखिए अवरोह के स्वर सा नी धा पा, तीव्र मा पा धा पा, गा शुद्ध मा रे सा। अब इन्हें हम बजाते भी हैं। एक बार फिर से अब इसे हम बजाने के साथ गाएंगे भी, तो देखिए सा रे सा गा मा धा नी धा सा, सा नी धा पा मा पा धा पा गा मा रे सा। फिर से देखिए सा रे के बाद पकड़ के स्वर है सा रे सा गा मा धा, सा रे सा गा मा धा। तो ये हुए हमीर राग का आरोह अवरोह और पकड़। आशा करती हूँ आपने कक्षा के सभी रागों को, तीनों रागों को अच्छे से समझ लिया होगा, इनका परिचय भी, आरोह अवरोह और पकड़ भी। धन्यवाद।